भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, पर मानव को उस स्थिति तक विकसित होने के लिए उसके त्रिविध ताप, शारीरिक एवं मानसिक रोग और नशे आदि का मिटना आवश्यक है। ये केवल सिद्ध योग से ही पूरी तरह संभव है। जिन रोगों को चिकित्सा जगत असाध्य मानता है, उन रोगों से मुक्ति सिद्ध योग दिला सकता है। शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। सिद्ध योग में अन्य सभी योग शामिल रहते हैं, अतः इसे महायोग भी कहा गया है। जागृत कुंडलिनी पर सिद्ध गुरु का पूर्ण नियंत्रण होता है। सिद्ध गुरु ही उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। कुंडलिनी ईश्वर की पराशक्ति है। ये दिव्य शक्ति मानव शरीर के रीढ़ के निचले हिस्से में सुषुप्तावस्था में रहती है। सिद्ध योग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाद शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करते हैं, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। गुरुदेव श्री सियाग की कृपा से जागृत कुंडलिनी शक्ति पातंजलि योग दर्शन के 8 अंगों का पालन स्वयं अपने अधीन करवाती है एवं साधक को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आवश्यकता अनुसार शरीर, मन, प्राण एवं बुद्धि को अपने अधीन कर कुंडलिनी शक्ति स्वयं के नियंत्रण में करवाती है और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ध्यान के दौरान लगने वाली खेचरी मुद्रा में साधक की जीभ स्वतः उलटकर तालू से चिपक जाती है, जिसके कारण सहस्त्रार से निरंतर टपकने वाला दिव्य रस, जिसे अमृत कहा जाता है, साधक के शरीर में पहुंचकर सभी प्रकार के असाध्य रोग, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान लाइलाज मानता है, उन्हें ठीक कर देता है। मैं बुधराम बिश्नोई भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ। 22 अप्रैल 2008 को मैं रक्तदान के लिए गया। उसके 3-4 दिन बाद में मेरे पास अस्पताल से लेटर आया कि आपका HIV और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने सिविल में जे हॉस्पिटल से भी टेस्ट करवाया, वहाँ से भी मुझे HIV पॉजिटिव का रिपोर्ट मिला। उसके बाद धीरे धीरे मुझे बुखार और लूज मोशन ने घेर लिया और नींद भी नहीं आती थी। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, तो करीब 15 दिन तक मैं एडमिट रहा। मुझे पानी पीते ही दस्त लग जाते थे, खाना खाते ही दस्त लग जाते थे। रात में 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी, किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, मन में बुरी तरह चिड़चिड़ापन आ गया था और जीने की उम्मीद एकदम खो चुका था, सुसाइड के तरीके ढूंढ रहा था। उसी दरमियान मुझे अर्जुन सिंह जी, जो हमारे नेवी में मेडिकल असिस्टेंट है, वो मिले। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ के रहने वाले? मैं बोला जोधपुर का। फिर गांव का नाम पूछा, गांव का नाम बताया, तो उन्होंने बोला कि HIV ठीक हो सकता है। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं बोला जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि HIV असाध्य है, तो ठीक कैसे हो सकता है? शाम को अर्जुन सिंह, 27 मई 2008 को शाम को अर्जुन सिंह जी शाम को 5 बजे आए, साथ में गुरुदेव का पोस्टर था और आके उन्होंने मुझे ध्यान का तरीका बताया। मुझे मन में बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं था, तो मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो 7-8 दिन तक मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगा। फिर मैं बीच में एक दिन इंटरनेट पे बैठा, वहाँ से अपने गुरुदेव की जोधपुर आश्रम से, अरे वसई आश्रम से गुरुदेव का CD लेके आया। CD देखा तो CD में लोगों को अपने आप योग हो रहा था, तो उनको देख के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर हम करना नहीं चाहते तो अपने आप कैसे होगा? ये पक्का ऐसे पैसे दे के बैठाया होगा और अपने आप कर रहे होंगे। तो मैं 15 दिन तक मुझे कोई योगिक क्रिया नहीं हुई। 15 दिन अपने आप इतना जोर से प्राणायाम शुरू हुआ, तब जाके मेरा गुरुदेव के चरणों में पूरा समर्पण हो गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरा लूज मोशन एकदम बंद हो गया, बुखार आना बंद हो गया और जो मेंटली टेंशन थी वो एकदम रिलीज हो गई। टाइम पे नींद आने लग गई और मेरा 7-8 किलो वजन कम हो गया था। धीरे धीरे वेट बढ़ना शुरू हो गया। अभी आज के दिन मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे CD4 भी, अभी कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। CD4 पहले मेरे 399 थे, अभी 499 पहुँच चुके हैं अपने आप, और वेट मेरा 8-9 किलो बढ़ चुका है। और 24 घंटे गुरुदेव को अजपा लगा रहता है और नाद सुनाई देती है,
और खेचरी मुद्रा लगती रहती है। हर 4-5 मिनट में एक बार खेचरी मुद्रा लग जाएगी। जैसे मंत्र जाप करूंगा जीभ अपने आप पीछे भाग जाएगी। निरंतर नाम जप से साधक को एक दिव्य आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है एवं साधक को समस्त प्रकार के नशों से मुक्ति मिल जाती है। 1999 में मुझे नाक का कैंसर हुआ था। गुरुदेव के ध्यान में जब से मैं पूर्णतया ठीक। मैं पिछले 5 साल से आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित थी और गुरुदेव का नाम जप और ध्यान से अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मुझे पेम्पिकल वर्गस स्किन डिजीज थी। गुरुदेव के नाम और ध्यान से अब मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मैं पथरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइट व माइग्रेन से पीड़ित था। गुरुदेव के फोटो का नियमित ध्यान करने से मात्र 7 दिन में ठीक हुआ। अरविंद और स्वामी विवेकानंद की भव्य